हेलो एवरीवन, माय सेल्फ राजेश्वरी। मैं एमएससी की हूँ, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र में आज सीनियर साइंटिस्ट जॉब करती थी, सीनियर रिसर्च फेलो जॉब करती थी, और अभी जॉब छोड़ दी हूँ। अभी छोटी बच्ची है तो मैं अभी जॉब नहीं करती, पर मैं एक प्लांट लवर हूँ, ठीक है। और मैं अभी आपको प्लांट्स को लेके अच्छा एडवाइस दे सकती हूँ, ठीक है। तो आप प्लांट लगाना चाहते हैं अपने छत पे, आप कर सकते हैं। अभी का क्या है, आप छोटा छोटा प्लांट किचन गार्डन बना सकते हैं अपना। आपका अगर छत थोड़ा सा बड़ा है तो फिर बड़ा एरिया है तो फिर आप उसमें किचन गार्डन बना सकते कर सकते हैं। जैसे कि किचन गार्डन में क्या क्या लगा सकते हैं आप, ड्वार्फ वैरायटी का रेड लेडी जो आता है वो पपया कर प्लांट लगा सकते हैं। उसका हाइट ज़्यादा नहीं होता, 5 फीट के अंदर ही होता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा 5 फीट के अंदर ही होता है, 6 फीट भी नहीं होता है, ठीक है। तो वो वाला प्लांट लगा सकते हैं आप। बैंगन लगा सकते हैं, ब्रिंजल, और ये धनिया पत्ता लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी, और आप धनिया, पालक, साग वगैरह सब लगा सकते हैं अपने छत पे। और प्याज, लहसुन, अदरक, पर अदरक का टाइमिंग बहुत ज़्यादा रहता है, आप 9 महीना 10 महीना तक अदरक का रखना पड़ता है, उसके बाद ही होगा। और अदरक बारिश होने से पहले ही लगता है, नहीं तो अच्छा नहीं होता है, ठीक है। और बाकी लहसुन वगैरह वो तो 90 डेज के अंदर ही हो जाता है, लहसुन प्याज वो ठंड के मौसम में लगाया जाता है। तो एक बार लगा दिया तो फिर आपको साल भर के लिए और कोई दिक्कत नहीं हुई। और लहसुन अदरक और ये सब मैं क्या बोलूँगी, इसको आप लेयर लेयर करके लगाइए, ठीक है। बाहर की तरफ निकलता है जैसे, उस तरह से अगर लेयर लेयर करके लगाएंगे तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो कम एरिया में आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है ना। और आपको करना है तो भिंडी लगा सकते हैं, ठीक है, टमाटर लगा सकते हैं छत पे, और क्या नहीं कर सकते, आलू भी लगा सकते हैं सब, पर टमाटर वगैरह लेयर लेयर करके मत लगाइए, ठीक है। टमाटर को एक ही लेयर में लगाइए, ठीक है, नहीं तो वो क्या होता है, वो झड़ जाता है, ओके ना। और बैंगन को भी आप तो ऐसे लेयर करके नहीं लगा सकते, एक एक करके पौधा करके लगा सकते हैं, ठीक है। और भिंडी को आप लेयर करके लगा सकते हैं, पर छोटा वेराइटी भिंडी जो होता है उसको लगा सकते हैं। और धनिया का पत्ता को आप लेयर करके लगा सकते हैं, साग को लेयर करके लगा सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपके पास कोकोपीट है, कैसे लगाएंगे मैं बता रही हूँ। पहले आपके पास आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स है, वेस्ट वेजिटेबल्स का वेस्टेज है, उसको पकड़िए, उसको सारे रखिए, और उसको साथ मिट्टी मिलाइए, और मिट्टी और थोड़ा सा कोकोपीट, अगर आपके पास नारियल का छिलका हो, बहुत सारा नारियल का छिलका लीजिए, उसको डाल दीजिए। उसको डालेंगे तो क्या होगा, छत में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो नारियल का छिलका डालने से क्या होता है, उसको पानी का लेवल को न्यूट्रलाइज करके रखता है, ठीक है। अब पानी तो देंगे, पर वो अगर कोकोपीट रहता है तो फिर वो उसका जो पौधे का जो रूट होता है उसको मिट्टी में जाने का, मिट्टी इतना टाइट नहीं रहता, अगर आप छिलका लेंगे तो फिर मिट्टी थोड़ा हल्का हो जाता है, तो रूट्स को अंदर जाने में बहुत आसानी होते हैं और पौधा अच्छा होता है, अच्छा ग्रो हो पाता है, है ना। न्यूट्रिएंट्स लेने में भी उसको आसानी होती है। तो और पानी डालना है, आप देखेंगे अगर पानी सूखता है पेड़, मतलब मिट्टी अगर सूख जाता है तभी पानी दीजिए, नहीं तो पानी मत दीजिए, ठीक है। कभी कभी होता है ना, पानी पूरा पानी पानी करके रखते हैं, नहीं तो ऐसे करके मत रखिए, ऐसे करके रखेंगे तो फिर प्लांट्स का रूट वो गल जाएगा, है ना। तो इसीलिए प्लांट्स का भी उसी तरह से केयर लिया जाता है, जैसे छोटे बच्चों का केयर लिया जाता है, उस तरह से प्लांट का भी आप केयर लेंगे तो फिर प्लांट्स से आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेगी। जैसे 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 प्लांट्स ग्रो करेगी और उसमें फल लगना शुरू हो जाएगा, देखेंगे आपको कितना सारा खुशियाँ मिलती है, बहुत हैप्पी हैप्पी रहेंगे आप देख के, है ना। और
अभी अभी लगेगा। थैंक यू।